तो हमने सिक्योरिटी की बात की, जम्मू की बात की, और जम्मू में डॉक्टर अब्दुल्ला भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्ताला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के बलवाल के इलाके में थे, और बलवाल के इलाके में फारूक अब्दुल्ला ने आज 370 की बात भी की, जम्मू कश्मीर के हालात की बात भी की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने दिल्ली को बताते हुए बताया कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम आप जो आजकल बताते हैं, आजकल ये बताते कि शेख खानदान, दूसरा खानदान, तो आपको मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मरहून मिन्नत रहना चाहिए। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक़्त जब 1947 का साल था हिंदुस्तान से इलहाक नहीं करते तो आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने दिल्ली को बताया कि इस एहसान के बदले में आज जम्मू कश्मीर की आवाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी न तवक्का की जा सकती थी न आज उसके बारे में सोचा भी जा सकता है। ये फारूक अब्दुल्ला ने आज एक तकरीब के दौरान बताया। जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलों पर भी बात की, सियासत और इंतखाबात पर भी बात की। हम लोग भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो 47 में जाते, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। महाराज साहब ने खुद पाकिस्तान के लीडरों से उस वक्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि आप कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं फैसला करूंगा। उन्हें उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जवाहरलाल जी और दूसरों मांग बैठन वगैरह से भी कहा था मुझे वक्त दीजिए मैं फैसला करूंगा। महाराज साहब नहीं चाहते थे ना हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में जाना, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर आजाद रहे। पाकिस्तान ने इतने वक्त पे हमला कर दिया, उस पर भी जाऊंगा। मगर तब से अगर शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं होती हम कभी भारत का हिस्सा नहीं बनते, कभी नहीं।